तो कैसे हो मेरे भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। तो अभी टाइम हुआ है 11:30 और एक्चुअली होने वाले हैं। तो अपने काम से मैं टोटली फ्री हो चुका था, थोड़ी सी एडिटिंग बची थी रात को, वो मैं अभी आके की फिनिश कर दी। बट अभी भी जो अपना ऑफिस है वो कल जैसा कि सेटअप किया था उसके बाद सब कुछ ना प्रॉब्लमेटिक है। तो देखते हैं कितनी देर में अपना ही ऑफिस साफ़ करते हैं हम। एक तो आजकल शादियों का सीज़न है, शादी में भी जाना है। देखते हैं प्रकृति जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक उसको ले जाना भी सही नहीं रहेगा। अगर अपने सपने की बात करूं, बड़ा मस्त सपना है यार। मैं सपने में भी पेड़ लगा रहा था, कैन यू इमेजिन। तो मुझे लगता है कल रात को वो दिमाग में चल रहा था और सपने भी उसी चीज़ के आ रहे थे। हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, चाहे वो गाड़ी के बारे में हो, चाहे अपना कोई गोल्स के बारे में हो। मीन्स आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, उसको अचीव करने के लिए, तो वो आपके माइंड में घूमता रहता है काफ़ी टाइम तक। तो वैसे ही कल पेड़ लगाए थे और भी लगाने हैं हमें अभी, तो बस वही चीज़ घूम रहा था सपने में। तो ऐसी चीज़ें होती हैं यार, सबके साथ होती होंगी। हमारी कुटिया में कोई आया है, कौन है वो? हमारी कुटिया में आ चुकी है प्रकृति सिंह, और जो कि हमारे सफाई में हेल्प करेगी। कौन सी सफाई? ऑफिस की सफाई। कैसे सफाई? मैंने तो नहाया कब? बस मैंने सफाई करनी है, उसके बाद नहाना ही है यार। होते हुए भी मुझे स्मेल आ रही। बेइज्जती करवा रही यार, बस सफाई करनी है। अब देखिए, ये तो कुछ करती नहीं, ऐसी हैवी काम। अब जो काम करता होगा उसको ही पसीना आएगा। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं सफाई करनी है। तूने अपने डेस्क की सफाई करनी ही नहीं करनी है? कर यार, पति बहुत कचरा होता है इसके डेस्क में। उधर देखो हालत, देखो ये कचरा नहीं है, क्या है? टिशू पेपर्स, ये टिशू वो, पेपर, ये अधूरा ये बिल्कुल हाथ साफ नहीं करती यार मेरे साइड। अब देखना थोड़ी देर बाद। अच्छा अभी जो ऐसा है ना, तो अपने कुछ ऐसे ही होते हैं ये ड्रॉज, इसमें कुछ भी होता है कबाड़ शबाड़, तो मुझे ये सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा यार। इस काम में ना इस काम में प्रकृति ज़्यादा तेज है, तो प्रकृति प्लीज़ यार हेल्प मी। जो अपनी डियर प्रकृति है वो अपनी हेल्प करने वाली है आज के इस मेरे मिशन में। करेगी हेल्प? थोड़ी बहुत हेल्प कर तू सकती। पहले ना कैमरा पकड़ना सीख यार। थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती हूँ, मेरे हाथ इतने से थक गई। यही रख दो सामने। मैं मोटा स्ट्रॉन्ग, मेरे को देख ऐसा लगता है जैसे तो आपको आदत पड़ चुकी है ना। ओके, तो प्रगति आज हेल्प करने वाली है अपने जोरों शोरों से, क्योंकि कचरा ही कचरा है यहाँ पे। जोरों शोरों से तो नहीं करूंगी, थोड़ी बहुत कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत। ध्यान से देखो, इस गौर से देखो इस लड़की को जो अपने पति की बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। क्योंकि मुझे अपना काम भी करना है, फिर अगर मैं आपके इसमें ज्यादा टाइम दूंगी तो अपना कब करूंगी। तो थके हारे अपना काम कर लिया है, ऑफिस हो गया चकमक। तो थैंक्स टू नवीन ठाकुर जिसने इतनी मेहनत की, ना कि प्रकृति सिंह ने। बट मेरी हेल्प पूरी आप ने आज दिलो जहाँ से की है, थैंक्स आप या। बूम या। तो जिस चिड़िया का फोटो देखा आपने, उस चिड़िया को हमारे वहाँ कहते हैं शियारी, कहते हैं लोकली उसको। और उड़ रही थी, उड़ते उड़ते फ़ोटो लिया, क्योंकि मैं दिन को आज तो वैसे कुछ अच्छी फ़ोटोज़ देख रहा था मैं आज, और मैंने भी एक कैप्चर की। बस ट्राई करना कि आपकी शटर स्पीड हायर हो कैमरे की, और ISO भी बैलेंस रखना अच्छा, तभी ऐसी फ़ोटोज़ आती हैं, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगी ऐसी फ़ोटो। तो अभी क्या यार, अभी मैंने लंच कर लिया है, बट थोड़ा सा काम मुझे ये है कि आज मुझे शॉप पे थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पापा है नहीं दुकान में और भाई ने लंच करना है, तो सारे काम करने पड़ते हैं यार घर बैठ के। तो आज हम बहुत दिनों बाद लाला जी बने हैं शॉप में बैठ के। बचपन की यादें ताज़ा होगी। छोटे में यार बड़ा शौक तो नहीं था, बट मुझे शौक नहीं था, मेरे बड़े भाई को बड़ा शौक होता था शॉप में बैठने का। बट मुझे, मैं बहुत भागता था शॉप से, तो आज तक भी मुझे बिल्कुल नहीं मन करता शॉप में बैठने का। जब गले तक पहुँच गई, मिली ज़बरदस्ती करते हैं मुझसे कि बैठ, अब बैठना पड़ेगा, तब बैठता हूँ मैं। पर मज़ा बहुत आता शॉप में। ये देखो, ये हमारे बंगाली बाबू बंगाल से। बट मज़ा ये आता है शॉप पे बैठने का कि खाने की पूरी सुविधा होती है भाई, जो मर्जी खाओ मज़े से। तो दिन के टाइम पे बैठ सकता हूँ मैं, दिन के टाइम पे रश कम होता है। बट अगर शाम के टाइम पे बोलो तब तो मैं भाई, मुझे पता ही नहीं लगता। जब एक कस्टमर आता है, दो, जब 10-15 से सर पे होते ना, तो समझ ही नहीं आता। उसके लिए मेरा भाई एक्सपर्ट है। अभी खाना खाने गए बड़े भैया। बट शॉप में जब मैं बैठता हूँ, मुझे ना खाने की बड़ी होती है, पता है। अभी जैसे मैंने अभी अभी मैंने एक बेरका का बटर स्कॉच निकाला है। तो लाला जी आ चुके हैं शॉप से। तो प्रकृति, क्या बनाया तूने? बहुत मैंने नहीं बनाई, ये अद्विका ने बनाया है। तो आज मैं फिश खाने वाला हूँ, क्योंकि वो अद्विका ने बनाई है। दिस इज द फिश। ये फिश में लिखा है इसने
मंडे, इसमें लिखा है मैन, सर, ब्रदर, कॉक, अंकल, किंग, क्या है पापा? अच्छा ये है वो जेंडर, जेंडर है ना पति? ये इनको प्रोजेक्ट दिया है इनके स्कूल से कि इस तरह की एक्टिविटी करनी है, बाकी जो मेन कि किस तरह से बनाना है वो सारा यूट्यूब ने लिया, मतलब यूट्यूब पे जो कंटेंट है उसी की हेल्प से ये बनाया है। और मैं यार घर के लिए अभी ना यीपी वगैरह लाया था, मैंने अपने स्टाइल से बनानी थी उसको मस्त तड़का लगा के, बट मुझे ये घर वाले भेज रहे हैं, जहाँ बोला एक किसी की रिटायरमेंट है तो वहाँ जाके धाम खाओ, तो यार डेली डेली धाम खाना भी मुझे पसंद नहीं है, प्रकृति चलना धाम तो प्रकृति नहीं जाना चाहती है। माऊ तो आप चलो, ये भी नहीं जान सकती। ओ टुक्कू मार दिया तूने नीचे यार, तू क्यों हंस रही इतनी, इतनी भी हंसी नहीं आ रही है। शिवोहम, ओ शिवोहम, शिवोहम, तो शिवोहम को उसके पापा ने यार इतनी आवाज डाली पर उसने सुना नहीं, क्यों नहीं सुन रहा वो? क्योंकि वो शरारती यहाँ बैठा अपनी दादी के साथ। मम्मी क्या मेकअप सिखा रहे हो आप इसको? शिवोहम ये लेडीज का काम है, आपका काम नहीं है। इसलिए मैं यहाँ सो रही थी ना और आपने यहाँ पे रखा था कैमरा, और शिवम था यहाँ पे, कैमरा उठा के ना सीधा मेरे सर में मारा उसने। सच में मारा आपने दीदी को? तो मम्मी का आजकल ये कहना है कि तेरे इस बेटे ने बोला हालत पतली कर दी है, तो मतलब बहुत मतलब शरारत है इसलिए, मतलब एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा है, कभी इधर कभी उधर, एक जगह नहीं बैठ सकते चुपना, तो एक जगह छुप नहीं बैठता, क्यों बैठेगा भाई, एनर्जेटिक बच्चा है। और क्यों आपके बच्चे नहीं करते थे शरारत हैं? देखा मम्मी ना भूल चुकी है, जब हम शरारत करते थे मम्मी सीधे चप्पल उठाती थी, चप्पल हाँ मम्मा बहुत मारती थी यार, और बिच्छू बुट्टी तो आपने नाम सुना होगा, उससे भी बहुत मारा मम्मी ने। तो वो चला अपनी बड़ी मम्मा के पास सब्जी बनाने, हेल्प करने जा रहा वो, काम काम शिव। दादी के साथ यहाँ बैठ के डब्बे में खेलना, आजा आजा। ये है शिवोहम की जादुई पेंसिल। शिवोहम की जादुई पेंसिल तो है बट उसने दो दो मिनट में ये खराब कर दी है। इसका बस चले तो कुछ भी ना, इसके पास ठीक है। और एक यहाँ हमारी छोटी बच्ची है जो इस छोटी बच्ची है। तो फाइनली धाम खा के पहुंच चुका हूँ घर, और जैसे मैं घर पहुंचा तो अपना जो लाडला है शिवोहम, वो तो भाई पापा पापा करता दौड़ा चला है मेरे पास। और यहाँ पे किसान लगे हैं हमारे, बहुत काम करता है यार ये लड़का, इतना काम करता है कि पूछो मत। तो शिवोहम क्या करेगा, जानबूझ के ट्राई करेगा मुंह में डालना, नो 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 मुंह में नहीं डालना। शिवोहम ममाई ममाई ममाई, तो मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है और ये प्रकृति उसको रोक रही है। बिल्कुल अच्छा काम कर रहा अच्छा है, और इसको साफ करेंगे। क्या बोल रही है? इसको साफ करेंगे, इसके पापा से साफ करेंगे। देखना कितने प्यार से, इसके नाना भी किसान है, इसके दादा भी किसान है, और ये भी किसान बनेगा। यहाँ देखो कितना अच्छा काम कर रहा है यार, वाओ। एंजॉय कर रहा है बच्चा। ऐसा एंजॉय नहीं करना शिवोहम, आप क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे नहीं फेंकते। हाँ तो शिवोहम की अभी लड़ाई हुई अपनी बहनों से और इसने सीधा बहनों पे दे मारा। और
लेट हिम प्ले प्रकृति, मिट्टी से खेल के कोई बीमार नहीं होता है। अरे कुछ नहीं होता है, तब क्या हुआ? मिट्टी के साथ घुसने दे इसको। शक्ल देखी नहीं प्यारी लग रही उसकी, शिवम की, नॉटी सा बच्चा। तो शिवम के प्रिय दादाजी, देख सकते हैं आपके पोता क्या कर रहा है। ये क्या किया तुमने? और इसने किया है। तुमने क्या कर दिया यहाँ? देखो नीचे, ये सारा साफ कर। और शिवम ने देखो यहाँ क्या कर दिया, ये शिवम ने किया है। सब कुछ शिवम ने नहीं किया है। तो शाम को फिर वहीं मिले जहाँ पे सुबह छोड़ा था आपको। तो कसम से यार, नींद बहुत बहुत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है, बिकॉज वो किया है, धाम खाई है ना, वो भी ज़्यादा खा ली। और अब नींद बड़ी मस्त आने वाली आज, लिटरली यार। जब आपने ज़्यादा खाया होता तो नींद ज़्यादा आती है। साथ में भी एडिटिंग कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कर ही लूँ, रोते हंसते रोते कर ही लूँ इसको कंप्लीट, क्योंकि अगर अभी नहीं करूँगा तो फिर सुबह को बर्डन बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट डे को फिर और भी काम होते कई। बस आज के इस ब्लॉग को यहीं पे विराम दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।